दोस्तों नमस्ते, आप सभी का स्वागत है सानू के चैनल में। दोस्तों आज मुस्सी मटन बनाने जा रही हूँ। अभी आप लोग बोलेंगे ये मुस्सी मटन क्या होते हैं। मुस्सी मच्छी लिया है, उसका मटन बनाने को जा रही हूँ, तो चलिए मेरे साथ। सूखा मुस्सी मटन बनाने के लिए अच्छे से धो के रख दिया है, और 3 चम्मच तेल, 1 कटोरी नारियल, 1 कांदा, 4 टोमेटो और सूखा मसाला के लिए 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच धनिया अक्खा धनिया, 3 लौंगी मिर्ची तिक्खा के लिए, और 5 कश्मीरी और लहसुन 5 और छोटा सा अदरक, ये सब पेस्ट करूँगी। और ये नारियल थोड़ा दड़दड़ा रखूँगी और 1/2 कटोरी पानी पीसने के लिए, उसके बाद आपको बताऊँगी। पहले ऐसा फाइन पेस्ट होना चाहिए ऐसा, फिर इसके बाद ये नारियल डालूंगी, 2 बार फिराऊंगी बस, उसके बाद आपको बताऊंगी। मसाला होना चाहिए सर दड़दड़ा, ये आज मिट्टी का बर्तन में बनाऊंगी मैं। तेल मैंने डाल दिया है, अभी जीरा डालूंगी 1 चम्मच, आप लोग को बोलने को भूल गई मैं, और कांदा डालूंगी। जैसे कांदा थोड़ा ब्राउन होएगा फिर उसका टमाटर डालूंगी, और ये सूखा मच्छी मटन के लिए पानी नहीं डालने का और बाफ में पकाने का। ऐसे से फ्राई होएगा कांदा, थोड़ा ब्राउन आएगा अच्छे से। दोस्तों नीचे है ना ग्राउंड फ्लोर में है, तो वो बहुत जाना आवाज़ करते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। 3 बार मैंने रुका के शूट कर रही हूँ। अभी जैसे कांदा ब्राउन हो गया अभी टमाटर डालती हूँ। अभी आप लोग को बनने के बाद मिलती हूँ। बोली थी बनने के बाद मिलेगी, मगर मैंने नमक डालने को भूल गई, तो अभी मैं स्वाद अनुसार नमक डाले और ये मसाला डाल रही हूँ। थोड़ा अच्छे से भूनने के बाद फिर मैं मुस्सी मच्छी डालूँगी, ऐसा होना चाहिए। अभी मैं मुस्सी डाल रही हूँ। दोस्तों कोई भी काम आसान नहीं होते, आप लोग सोचते होगा अरे मोबाइल पकड़ते बस हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। सबको ये तो होते ही, तकलीफ होते ही। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, बहुत दिल दुखता है। कोई भी काम आसान नहीं होता है। भी अच्छे से हल्का से घुमाऊंगी, और स्लो गैस में बनाने का ढक्कन लगा के अभी मैं ढक्कन बंद करूंगी, और पूरा पकने के बाद आप लोग चेक करना पका क्या नहीं, फिर कोथमीर से गार्निश करें, उसके बाद आपको टेबल में सर्व करके बताऊँ। प्लेट में सर्व कर दिया है, ये दाल चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है। इसका तो नाम मैंने सूखा मुस्सी मटन दिया है, आप लोग को जो नाम देने का दीजिए, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए और बनाइए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।